नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का पर्व आने वाला है। अहोई अष्टमी का पर्व सभी माताएं अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए, उसके सुखद जीवन के लिए करती हैं और सभी माताएं इस दिन पूरे दिन भूखा प्यासा रह के निर्जला व्रत रखती हैं तथा रात्रि में तारों को अर्घ्य दे के ही इस व्रत को खोलती हैं। और जो निसंतान महिलाएँ होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें अहोई माता का पूजन करते समय आप ध्यान रखती हैं और इन बातों का पालन करती हैं तो अगर आपकी संतान के जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, किसी भी तरीके की बाधा आ रही है तो उसे आप दूर कर सकती हैं। अहोई माता उसे दूर करती हैं और आपके बच्चे के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाती हैं और उसके जीवन को ऐश्वर्य से भर देती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग परेशानी के अलग अलग उपाय बताए गए हैं, तो जो आपके बच्चे की परेशानी हो वही उपाय आपको अहोई माता के पूजन के समय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप इस उपाय को कर रही हो तो आपको पूरे विश्वास के साथ मन से आपको करना होगा, तभी आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली परेशानी की बात करें तो अगर आपकी संतान की शिक्षा, करियर और रोजगार में बाधा आ रही है तो इसके लिए आपको करना है यह उपाय। अहोई माता के पूजन के दौरान दूध, भात और लाल फूल आपको माता को अर्पित करना है। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद संतान को अपने हाथों से दूध और भात खिलाएं और लास्ट में लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दें और फूल को सुरक्षित जगह रखने को कहें। तो दोस्तों, अगर आप अहोई माता के पूजन के समय इस उपाय को करती हैं तो अगर आपके बच्चे के जीवन में शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसे अहोई माता दूर करती हैं। दूसरी परेशानी की बात करें तो वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में बाधा आ रही हो तो इसके लिए आपको करना है यह उपाय। दोस्तों, अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चैन अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्री उमाय नमः, ओम ह्री उमाय नमः, ओम ह्री उमाय नमः का 108 बार जाप करें और संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चैन पहनाएं और उसके सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दें। तो दोस्तों, अगर अहोई माता के पूजन के समय आप इस उपाय को करती हैं तो ऐसा करने से अगर आपकी संतान के जीवन में किसी भी तरीके की वैवाहिक या पारिवारिक बाधा आ रही है तो उसे अहोई माता दूर करती हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को अपना के आप आपके संतान के जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।